दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हम आए हैं दिल्ली की राजधानी के सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा एक अंतर जातीय विवाह किया जा रहा है, ना जिसमें कोई बैंड है, ना बाजा है, ना बारात है, केवल एक 17 मिनट के अंदर इन लोगों की यहां पर शादी संपूर्ण हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं। 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी चलेगी, उसमें इनकी शादी हो जाएगी। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के ना कोई मजहब है, ना धर्म है, सब ये एक ही धर्म है। इनका नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर बराती बनकर आए हुए हैं। ऐसे लाखों विवाह संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के यहाँ पर हो चुके हैं। सतलोक आश्रम मुंडका में ये विवाह चल रहा है, जो कि अभी थोड़ी ही देर में संपूर्ण हो जाएगा। दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में 3 विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपूर्ण हो चुके हैं, और वो तीनों जोड़े मेरे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं। तो अभी इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनके क्या विचार हैं, और ऐसा इतना सिंपल विवाह करके इनको कितना अच्छा लगा, और इतनी अच्छी प्रेरणा इनके अंदर कहां से आती है, क्योंकि यही तीनों नहीं हजारों लाखों विवाह संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु इसी प्रकार से कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। सर देखिए, हमने देखा यहाँ पर आपका बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर विवाह हुआ है, वरना अन्य समाज में देखे तो बहुत ही बैंड बाजा होता है, काफी दूल्हा सजता है। आप तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, काफी सिंपल आपका विवाह हुआ है। तो क्या आपका कभी मन नहीं करा कि मैं भी सजूं, दूल्हा बनकर जाऊं? जी नहीं, हम पहले गुरुजी से जुड़ गए थे और उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। आप उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, या आपका अंदर से भी मतलब अंदर से आपकी इच्छा करती है, अगर वो मतलब आदेश ना हो उनके, तो आपकी अंदर से इच्छा है कि आप भी दूल्हा बनो, गाड़ी में आओ, गाड़ी से फूलों से सजी हो? क्योंकि आपके आम समाज के और यार दोस्त भी होंगे जो आपकी मतलब वैसी शादियों में आप जाते होंगे, क्या आपका कभी इस टाइप से मन करता है क्या? जी नहीं। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी मैं खुश हूँ और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही शादी करें, सिंपल तरीके से। देखिए, हमने आपको भी देखा यहाँ पर, काफी सिंपल यहाँ पर आप दिख रही हैं, क्योंकि लड़की बहुत सजती है, सवरती है, बहुत शौक होता है उसका, और आपका काफी यहाँ पर सिंपल विवाह हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विवाह के बारे में? विवाह तो सही है कि हमें सिंपल ही करना था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से हम चलना चाहते हैं, और जो विवाह है वो सिंपल जितना रहता है उतना अच्छा है, आडंबरों में हम नहीं जाना चाहते, और गुरु जी की हम इच्छा का पालन करते हैं। देखिए, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी प्रकार का दहेज ना लेते हैं, ना देने को मना करते हैं। जो लड़के वाले परिवार है, जो लड़का है, क्या इन्होंने आपसे किसी भी प्रकार का दहेज लिया आज? जी नहीं, कोई भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया। कोई आपको प्रेशर किया हो किसी भी चीज के लिए कि हमें गाड़ी चाहिए या कुछ चाहिए या किसी प्रकार से? जी नहीं, किसी प्रकार का कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप आज खुश हैं बहुत इस प्रकार का सिंपल सा विवाह करवा के? जी हाँ। अभी हमारे मेरे साथ इनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, तो अभी हम इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि काफी समस्याएं आती हैं इस प्रकार का सिंपल और साधारण विवाह करने पे, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो इन्होंने कैसे सारी बातों को मैनेज किया, क्या क्या इनके आगे समस्याएं आई, रिश्तेदारों को कैसे इन्होंने हैंडल किया, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। मैम नमस्कार। सच्चाई, आप इनके जो लड़का है इनकी माता जी हैं? आप सासू माँ हैं। लड़की की माता जी हैं? लड़की की माँ। तो देखिए, जैसे कि आज आपने अपनी लड़की का विवाह किया, सबसे बड़ी बात तो आपसे पूछना चाहूंगी, इतना सिंपल आपने विवाह किया, तो आपके जो और भी रिश्तेदार होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े होंगे, क्या उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कि आप इतने सिंपल विवाह में हमें लेके जा रहे हैं, जहाँ पे कोई ना बैंड है, ना बारात है? क्योंकि बड़े बड़े बैंकेट हॉल बुक किए जाते हैं, काफी जयमाला होती है, काफी प्रकार के मतलब वो होते हैं, आपने यहाँ पर केवल 17 मिनट में उनका विवाह करवा दिया, तो क्या प्रतिक्रिया रही आपके रिश्तेदारों की इस पर, और आपने कैसे मैनेज किया? हम अपना जुड़े हुए हैं संत रामपाल महाराज से, हमें
अपना ज्ञान हुआ, हमें किसी को नहीं जगत भाइयों को देखना है कि हमारे जो पटीदार लोग हैं, रिश्तेदार हैं और अन्य भाई बहन हैं, हम किसी को नहीं उकरे हैं। हम परमात्मा की वचन से, हमें गुरु जी ने जीवन दान दिया, सब कुछ के लिए हमें लाभ दिया। परमात्मा हमें सबसे पहले तो मुक्ति दिए हैं, इसलिए हमें किसी को नहीं सुनना है, हमें परमात्मा को सुनना है। चाहे कोई भी कुछ कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़के वालों के परिवार का कोई प्रेशर तो नहीं था आपकी तरफ दहेज वगैरह लेने का? नहीं, लड़के वालों के कोई प्रेशर नहीं है दहेज दान के लिए, कोई चीज के लिए नहीं, कभी नहीं बोले। तो चलिए हम अब आगे एक और जोड़ा है मेरे साथ, उसकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको ये विवाह करवाकर किस प्रकार लगा। मैम नमस्कार, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से हैं और आज हमने आपका देखा कि काफी सिंपल यहाँ पे दिख रही हैं और काफी सिंपल ही आपका विवाह हुआ, तो कैसा लगा आपको ये विवाह करवा के? संत रामपाल जी के सानिध्य में, जैसे आपको बता हुआ 3 दिन का समागम होता है हमारे संत रामपाल जी के सानिध्य में, उसमें रक्तदान शिविर भी होता है और रमेणिया भी होती है, जिसको शादी बोलते हैं समाज में, हिंदू समाज में या फिर बाहर की उसमें देखा जाए तो। और इसमें एकदम सिंपल और साधारण तरीके से शादी की जाती है, इसमें कोई आडंबर नहीं होता, किसी चीज़ का दिखावा नहीं होता, कोई भी किसी चीज़ का संगीत या फिर कोई भी चीज़ का कोई भी ऐसी पूजा पाठ नहीं होती। सिंपल तरीके से जैसे हमारे देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे उनका विवाह हुआ, बिल्कुल साधारण तरीके से, इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के इन सत्संगों में और इस समागम के टाइम पे जो रमणिया होती है वहाँ पे भी इसी तरीके से साधारण विवाह होता है। आपको कैसा लगा ये विवाह करवा के? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से होना चाहिए था उसी तरीके से ये विवाह हुआ, बिल्कुल साधारण। कोई दहेज वगैरह लिया लड़के वालों ने आपने? इसमें हमारे इस रमेणी में जब लड़की और लड़की की तरफ से कोई भी लेन देन नहीं होता, चाहते वो लड़की की शादी हो या फिर लड़के का शादी, लड़की की शादी हो। और कुछ कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि और लोग भी जितने भी शादी करके बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनको दान दहेज भी उतना मिल जाता है बट उनको फिर भी प्रताड़ित किया जाता है शादी के बाद। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनो और जितने साधारण तरीके से जीवन जियोगे उतना ही साधारण, उतना ही अच्छे से आप अपने लाइफ को भी चला सकते हो और समाज को भी दिखा सकते हो क्योंकि साधारण जीवन किस तरीके से जिया जाता है। सर आपका भी बहुत ही सिंपल यहाँ पर विवाह हुआ हमने देखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के बारे में? क्या आपका मन नहीं था कि मेरी शादी होती, लड़की दहेज लेके आती, गाड़ी लेके आती, क्योंकि एक लड़के का तो सपना होता है इन सभी चीजों का, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, दहेज मुक्त विवाह ही चाहिए था, क्योंकि बहुत परेशानी होती है बाद में, इसलिए सबसे अच्छा यही हुआ। सर आपके आज बेटे की बहुत ही सिंपल यहाँ पर विवाह हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के बारे में आप? इससे बढ़िया खुशी कुछ नहीं है, जो एक आडंबर बना रखा है दुनिया ने, दही लेना देना और परमात्मा ने शरीर दे दिया, इससे बड़े क्या है। हमेशा उस आडंबर से दूर है जी, हम परमात्मा की दया से और अपनी भक्ति करके ना सिंपल रहते हैं ना, अपना परमात्मा जैसे कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर कर रहे हैं हमारे गुरु जी, धीरे धीरे समाज की बुराई दूर हो जाएंगी और इससे अच्छा तो हमें कुछ नहीं लगता। देखिए सर आपका और परिवार भी होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा, उनकी कोई पर ऑब्जेक्शन नहीं किया उन्होंने आप यहाँ उनको लेके आया? किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया जी, परिवार साथ आया हुआ है सारा, अड़ोस पड़ोस भी साथ आया हुआ है हमारा। और सर एक सपना होता है बाप का, तो भी मेरे बेटे की शादी होगी, दहेज लाएगा, गाड़ी लाएगा, नकली सपने है जी, दहेज गाड़ी लाएगा, अपना कमाओगे खाओगे, परमात्मा देगा जब मिलेगा, किसे देने से पूरा नहीं पटेगा, दो रोटी चाहिए परमात्मा दे रहा है, परमात्मा की भक्ति चाहिए थी वो मालिक ने मारे को दे रखी, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं। सर थैंक यू। एक और जोड़ा मेरे साथ यहाँ पर है, देखिए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। मैम नमस्कार, आपको कैसा लगा अपना ये बिल्कुल सिंपल विवाह करवाकर, और आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? बहुत अच्छा लगा हमें, और ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए जो हमारे गुरु जी हैं। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारी रूढ़िवादी और गलत परंपराओं को सोसाइटी से निकाल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
पहले बेटियां बोझ बनती थी, पहले मार दिया जाता था उनको पेट में ही, तो वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सारी दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं यहाँ पर, मुझे एक बहुत अच्छी बात है सोसाइटी। सर आपका भी यहाँ बिल्कुल सिंपल विवाह हुआ है, तो एक लड़के का तो सपना होता है कि मैं अच्छे से अपनी शादी करूँ। आपके और फ्रेंड्स भी होंगे, आप और शादियों में भी जाते होंगे, तो आपने यहाँ सिंपल शादी करी तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये मैंने अपने गुरुजी से आदेश अनुसार शादी की है। जैसे आपने बोला कि समाज में शादियाँ होती हैं, उसमें ऐसा फालतू का आडंबर किया जाता है, शादी में बैंड बाजे घोड़े बराती, ऐसा हमारे गुरुजी आदेश देते हैं। फालतू के आडंबर ना करके एक सिंपल दहेज रहित शादी की जाती है, जिसमें कि बच्ची बच्चों पर भी, जैसे जो लड़की का बच्चा होता है उसमें भी जोर नहीं रहता है, दबाव नहीं रहता है दहेज वगैरह का। तो हमारे गुरुजी समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं, तो हम गुरुजी से प्रेरित होकर हमने दहेज मुक्ति दवा की। सिंपल शादी हुई बच्चों की, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे गुरु भगवान ने एक ऑल समाज ऑल धर्म के लिए सभी के लिए ये मतलब एक बहुत अच्छी पहल है कि एक नशामुक्त समाज और दहेज मुक्त समाज, तो ये दोनों चीजें अगर समाज के अंदर नहीं है वो समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो है हम जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल इतना दहेज लिया जा रहा है। अगर जिसके पास भी चार बेटियां हैं तो अगर वो 10 लाख 20 लाख दहेज देगा तो अपने बच्चों को एजुकेशन कहाँ से दिलाएगा वो, क्योंकि आजकल की भागदौड़ में नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, हर आदमी पास में उतने संसाधन नहीं है कि बच्चों को उतना वो पढ़ा सके। जैसे है कि अगर दहेज मुक्त शादियाँ हों और जो है नशा मुक्त समाज हो, तो हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और बच्चों का अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। सर नमस्कार। तो सर देखा आपने, यहाँ पर हम काफी विवाह देखते हैं, मंदिरों में विवाह कराए जाते हैं, वहाँ पर मतलब लोग दान करते हैं, दोनों जो मतलब लड़की वालों को दहेज दान में दिया जाता है और उनके निःशुल्क विवाह करवाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। आपने सबके इंटरव्यू सुने, सबकी बातें सुनी, यहाँ पर ना तो लड़की वालों ने कोई दहेज दिया और ना लड़के वालों ने उनके ऊपर प्रेशर किया। काफी सिंपल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का विवाह ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। अभी आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़। मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।